दोस्तों, आप लोग मीराबाई के बारे में तो जानते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना पति मान ली थी, लेकिन आज मैं हरियाणा की रहने वाली प्रिया की बात कर रही हूँ। उन्होंने MBA की पढ़ाई की है, उन्हें अच्छी नौकरी मिली थी, पर वो श्री कृष्ण की भक्त थी और 14 साल तक इंतजार करने के बाद श्री कृष्ण स्वरूप लड्डू गोपाल की प्रतिमा से उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। पहले लोग प्रेम और भक्ति को नहीं समझते थे, पर बाद में सबको मानना पड़ा। प्रिया हरियाणा के जाट फैमिली में राधा अष्टमी के दिन पैदा हुई थी और बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। वो घर वालों से छिपकर वृंदावन जाया करती थी, जिससे उन्हें बहुत उलाहना सहना पड़ता था। उनको घर वाले बहुत मनाते रहे, पर वो श्री कृष्ण जी से विवाह करने का निर्णय नहीं बदल पाई और अंत में 2022 में घर वालों ने उनकी शादी 13 साल लंबे इंतजार करने के बाद लड्डू गोपाल से करा दी। पर आश्चर्य वाली बात तो ये है कि उनको सास ससुर भी मिल गए। दरअसल दो लोग थे जिन्होंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना था। उन्हें जैसे पता चला, वो आए और प्रिया को बहू की तरह ले गए। प्रिया लड्डू गोपाल को पीहू कहती हैं और बहुत ही प्रेम भाव भक्ति समर्पण के साथ उनकी सेवा करती हैं और अपने सास ससुर की सेवा करती हैं। और इस साल इन्होंने सबके जैसे करवा चौथ का व्रत भी रखी लड्डू गोपाल के लिए, और उनकी पहली सालगिरह भी थी। अब वो अपनी पहली सालगिरह भी बहुत धूमधाम से मना रही हैं। मैरिज हॉल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। यहाँ संत महात्मा और आम जनता सारे लोग आए हुए थे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।